गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास ऑफ सिविक्स ऑफ क्लास 10. दिस इज चैप्टर 2 पार्ट 3 वीडियो. यू कैन ओपन पेज नंबर 24. इन दिस वेरी वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो एज फार एज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न, हियर इट सेज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. ही इज द टिट्यूलर हेड ऑफ द स्टेट. सो the position of the president of India is compared with the queen of England because both are the titular head. Titular means वो नाम के ही जो है head है. The main work is done by the prime minister. सारा काम prime minister और council of minister करता है, लेकिन जो orders और decisions जो pass किया जाता है वो president के नाम से pass किया जाता है. मतलब जो decision कैरी किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है, लेकिन उस डिसीजन को फॉर्मुलेट करने वाले वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. दैट्स वाई बोथ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द सिमिलर पोजीशन. ही इज द टिट्यूलर हेड ऑफ द स्टेट. टिट्यूलर मीन्स नाम के ही हेड होते हैं. और हियर स्टेट सिग्निफाइज द कंट्री. आई हैव टोल्ड यू व्हाई अ कंट्री इज कॉल्ड स्टेट. देयर आर सर्टेन फीचर्स एसोसिएटेड विद द स्टेट. इफ द स्टेट follows the certain feature, then the country is called a state. The real authority is vested in the prime minister. As I have told you, the real head, the real authority is vested in the prime minister and the council of minister. Article 74 requires the president to act only on the aid and advice of the council of minister in the discharge of all his function. The president is bound to act on the aid and advice of the council of minister. Generally, decisions जो भी लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति होता है वो केवल उनके एडवाइस पे एक्ट करता है. वो उनके एड पे, उनके एडवाइस पे अपना कोई भी एक्शन लेता है. राइट, दिस वाज मेड क्लियर अकॉर्डिंग टू द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. दिस सेज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट हिज हेड to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice provided that president may require the council of minister to reconsider such advice and shall act after such advice has been reconsidered. But the president is not mere a rubber stamp. He uses his discretion in the appointment of the prime minister when no party secures majority in Lok Sabha. ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है जो भी निर्णय ये प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उसको राष्ट्रपति को लागू करने के लिए आदेश देना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको एक बार कंसिडर करके के भेज देता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास. लेकिन दोबारा उसी निर्णय को अगर बिना संशोधन किए भी अगर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है और उस आदेश को लागू करना पड़ता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पास अपना डिस्क्रिशन नहीं है. इवन प्राइम प्रेसिडेंट यूजेज हिज डिस्क्रिशन व्हेन देयर इज नो क्लियर कट मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड ही हैज टू चूज अ प्राइम मिनिस्टर अमॉन्ग द डिफरेंट लीडर्स ऑफ द लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर विद वेन नो मेजोरिटी सिक्योर्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा बाई रिफ्यूजिंग एसेंट ऑफ बिल सेंडिंग देम बैक टू द रिकन्सिडरेशन. ही ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ डिग्निटी एंड एक्ट एज अ गाइड ऑफ द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ड्यू टू डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पावर टू कैसल अमंग लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन कोलिशन गवर्नमेंट. जब किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है और कोलिशन गवर्नमेंट होता है, व्हाट डू यू मीन कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आती और बहुत सारी पार्टियां, दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी मिलकर जो मेजोरिटी को अचीव करती हैं और तब जो सरकार बनती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उस समय बहुत सारे लीडर्स का एम्बिशन होता है कि हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. तो इस समय जो है प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है और अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग किसी खास आदमी जिसको वो उचित समझता है कि जिसको लोकसभा अपना लीडर मानेगी, जो कोलिशन नेक्स्ट कोलिशन उसको अपना लीडर मानेगी, उसको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आमंत्रित करता है, अपना मेजोरिटी साबित करने के लिए फ्लोर पे बुलाता है. राइट, ओथ ऑफ द ऑफिस.
The President of India, before entering his office, takes the oath of office administered by Chief Justice of India. जो प्रेसिडेंट है वो अपना कार्यभार संभालने के पहले चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेता है. व्हाट इज द वर्डिंग ऑफ हिज ओथ? द अफिम द फॉलोइंग आई ही सेज हिज नेम डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमनली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. ये शपथ राष्ट्रपति जब पदभार ग्रहण करता है उस समय संविधान की शपथ राष्ट्रपति भगवान के नाम से अपने भगवान के नाम से या जिसको भी मानता है ईश्वर मानता है अल्लाह मानता है उसके नाम से लेता है. ठीक है. टर्म ऑफ ऑफिस. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है. At the expiry of his term, he continues to hold office till the successor assumes his office. जब लेकिन जब भी 5 साल का टाइम क्रॉस कर जाता है तो उस समय तक उसका सक्सेसर नहीं आता तब तक वो उस ऑफिस को होल्ड करता है. द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस इफ ही डिजायर्स बाय राइटिंग लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कम्युनिकेट्स द डिसीजन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा. अगर उसको त्यागपत्र देना हो राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है. सेंड्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट हु कम्युनिकेट्स दिस मैसेज टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा. राइट. नेक्स्ट इज री इलेक्शन. री इलेक्शन मीन्स पुनर्चुनाव. पुनर्चुनाव होता है उसमें भी राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है. इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल बट इन अमेरिका ओनली 2 term आर परमिशबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. According to Article 57 of the Constitution, the President is eligible for re-election of that office. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, is the only President to enjoy 2 successive terms of office. His tenure in office lasted from January 26, 1952 to May 1962. Unka term January 26, 1952 se 12 May 1962 tak tha. Vacancy in the office of the President. ऑफ प्रेसिडेंट का ऑफिस क्यों वैकेंट होता है? व्हाट आर द कॉजेस फॉर द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी वैकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन. व्हाट आर द कॉजेस फॉर द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? एट द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years, या तो 5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो जाता है तब ऑफिस वैकेंट होता है. इफ ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन और डाइज, या तो वो त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तब राष्ट्रपति का पद खाली होता है. इफ ही इज रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट एक वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके मिसबिहेवियर या इनएबिलिटी के कारण. उसको ये प्रोसीजर पार्लियामेंट में होता है. इम्पीचमेंट का पार्लियामेंट के द्वारा एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है जिसको इम्पीचमेंट बोला जाता है. तो इम्पीचमेंट के द्वारा भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है. राइट. नेक्स्ट, इफ हिज इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इज सेट असाइड, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन को खारिज कर दिया जाए. व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन मेंशन अर्लियर बिसाइड द एक्सपायरी ऑफ अ नॉर्मल टर्म, द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी. प्रेसिडेंट का पद खाली होने के 6 महीने के अंदर वो पद भर लिया जाना चाहिए. हाउएवर द प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस इन द सक्सेसर इंटर्स अपॉन द ऑफिस. लेकिन अगर प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म भी हो गया है लेकिन जब तक उसका सक्सेसर मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आकर पदभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो राष्ट्रपति बना रहता है और ये पीरियड 6 महीने तक का मैक्सिमम हो सकता है. राइट. सैलरीज एंड अलाउंस. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 1,50,000. ही आल्सो रिसीव अ मंथली पेंशन ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years ऑन रेजिग्नेशन. उसकी सैलरी 1,50,000 है. राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 है. रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है. 5 साल पे रिटायर उसका टर्म खत्म हो जाए या रेजिग्नेशन दे दे तो उसको पेंशन मिलता है. इफ ही इज नॉट रिलेक्ट नहीं होगा तो पेंशन मिलेगा. ही रिसीव अ सम मनी ऑन मेंटेनेंस फॉर हिज पर्सनल सेक्रेटेरिएट. इज एंटाइटल्ड टू यूज अ फर्निश रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस. राष्ट्रपति भवन या किराया नहीं लगता. वेल फर्निश्ड ऑफिशियल रेसिडेंस उसको मिलता है राष्ट्रपति भवन जिसका उसको किराया नहीं देना पड़ता. द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. और राष्ट्रपति रहते हुए उसकी सैलरी को घटाया नहीं जा सकता. We
वी हैव डिस्कस्ड दिस वेरी पॉइंट इन दिस वेरी वीडियो, दैट इज द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज द टाइम लिमिट ऑफ द वीडियो इज ओवर. सो टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय.